एबीपीएस न्यूज़। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज़ टीम का अगला पड़ाव ब्लॉक छजलाइट स्थित सदरपुर मतलबपुर गांव पड़ा। लगभग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 1 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में कृष्ण अवतार इस गांव के प्रधान हैं, जिन्होंने गांव के विकास के लिए बहुत से कार्य कराए हैं। लगभग 2800 की कुल वोटर संख्या वाला यह गांव शांत आंचल में बसा हुआ है। वर्तमान प्रधान ने बताया कि उनके द्वारा गांव में लगभग 75 हैंडपंप लगवाए गए हैं, जिससे गांव में ग्रामीणों को पानी के लिए किसी भी तरीके की परेशानी न हो। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि गांव में बिजली पोलों की संख्या 350 वहीं बिजली ट्रांसफार्मरों की संख्या 10 है। उन्होंने बताया कि बिजली की व्यवस्था उनके द्वारा दुरुस्त कराई गई है। अगर बात करें विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन व विकलांग पेंशन योजना की, तो उसके अंतर्गत आने वाले सभी तरीके के लाभों से ग्रामवासी लाभान्वित होते नजर आए। शिक्षा के क्षेत्र में भी यह गांव बेहतर स्थिति में नजर आता है। इस गांव में जूनियर व प्राथमिक पाठशालाओं में लगभग 225 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। ये वही बच्चे हैं जो कल हमारा भविष्य बनेंगे। प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा जब एबीपीएस न्यूज टीम ने की तो पता लगा कि उनके द्वारा गांव में सड़कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही साथ इज्जत घर यानी कि शौचालय भी ग्रामीणों में वितरित किए गए हैं, जिससे वह प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत मुहिम में अपनी भागीदारी पेश कर सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्रों को घर भी मुहैया कराए जा चुके हैं, जिससे ग्रामीणों को खुले में न रहना पड़े। ग्राम प्रधान ने एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में और भी आवासों की व्यवस्था कराई जाए, जिससे पात्रों को ये आवास वितरित किए जा सके। उन्होंने साथ ही साथ अपने गांव में पंचायत घर की भी मांग की है। ग्रामीणों ने एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों की समीक्षा की और बताया कि ग्राम प्रधान द्वारा बेहतर विकास कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वर्तमान प्रधान गांव की बेहतरी के लिए ही कार्य कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सरकार द्वारा फंड मुहैया नहीं कराया जाता तो प्रधान भी क्या करेंगे। उन्होंने राज्य सरकार व केंद्र सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को ठीक कराएं, जिससे गांव वालों को शहर के चक्कर न काटने पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गांव में पानी की निकासी की व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन उसके लिए भी नालियों का निर्माण होना चाहिए। ग्राम प्रधान मतलबपुर ब्लॉक तहसील कहाँ जिला मुरादाबाद निवासी हैं, और हमारे गांव में जो विकास के लिए जो कमी है, जो हमने काम कराया है, थोड़ा जितना पैसा हमारे पास आया इतना हमने विकास कराया, और हम देख रहे हैं कि विकास के लिए पैसा देख रहे हैं, विकास के लिए पैसा आए और थोड़ा विकास कराएं। और पानी की स्थिति हमारे गांव में ज़्यादा ख़राब है, जो मतलब पानी की निकासी नहीं हो रही है, और कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जो दबंग लोग हैं हमारे गाँव में, और जो हमने जो थोड़ी व्यवस्था कराई है लाइटों की, जो सोलर पैनल वाली लाइट लगवाई है वो लगवाई है थोड़ी, उसकी हमें और आवश्यकता है। जो अपने गांव में और विकास करा रहे हैं और जो गरीब जनता के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए पूर्ण कुछ योजना नहीं मिल पाती, कुछ पैसे नहीं मिल पाता, जैसे कि गरीबी के लिए, जैसे विकास वो आवास हैं, ठीक है, और जो शौचालय वगैरह हैं ये हैं, और जो पेंशन वगैरह हैं ये पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, पैसे कमी की वगैरह, और कोई योजना वगैरह योजना नहीं आती तो कोई काम नहीं हो पाता। गरीब जनता के लिए हम ज़्यादा उसमें हैं, जो पैसा हमें मिला हम गाँव विकास, और जो हमने सड़कें और हमने जो सड़क बनवाई है उसके लिए पैसा और हमें मिला दिए, और हम ज़्यादा विकास कराएं। नाम हरज्ञान सिंह, सदरपुर निवासी, थाना छजलाइट, जिला मुरादाबाद, तहसील खान, यहाँ का रहने वाला हूँ, ब्लॉक छजलाइट तो बोल दिया। मगर हमारे गांव में पानी की स्थिति इतनी गंदी है, जो कि लोगों घरों में पानी भर जाता है बरसात में, दबंग लोगों ने नाले पाट रखे चारों गाँव के, तालाब में जाने के लिए कोई नाला नहीं है, हमारे गाँव में नाला लगा आज तक हुआ नहीं, गाँव के अंदर कैसा, हमारे गांव में चारों तो तालाब हैं, मगर चारों तक दबंग लोगों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, वो पानी की निकासी नहीं है, रास्ता बंद है गांव का, गांव में विकास करवाया, जो भी टाइल्स लगवाई गांव के अंदर लगवाई है, सीसी रोड हमारे गांव में नहीं है, जो टाइल्स वाले हमने रोड बनवाई हैं लगातार, जितना पेमेंट हमारे पास आया ग्राम पंचायत खाते में हमने पैसा खर्च कर दिया। गाँव में मकान बन गए 15 SC, अरे एक बनाया BC का, 14 मकान SC का, 1 BC का है, उसका टायर रुका पड़ा हमारा, अभी हमारे गांव के गन्ने की स्थिति वैसी है, दीवान मिल है यहाँ के पेमेंट एक महीने के पूरी नहीं भर पा रही है, अभी कैसी हो, शिवानी मिल पेमेंट में आ गया जाते, लोग परेशानी ब्याह शादी उतने धन्य है, यह स्थिति में क्या करा जाए।